वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिजली आने पर और बिजली जाने पर संकेत देने वाला सर्किट बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू नागालैंड इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर क्रिएटेड डी चैनल इज मेक इजी टू अंडरस्टैंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल एंड मैकेनिकल वीडियोज ऑन हिंदी। हु एवर इज इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द इजिएस्ट पॉसिबल वे, आई पोस्ट वन और टू वीडियो डेली ऑन टॉपिक्स डेट कवर लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। प्लीज सब्सक्राइब टू नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने के पीछे मकसद यह है कि बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, मूल इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाएँ, तकनीकी और मैकेनिकल वीडियो हिंदी में हर व्यक्ति को जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तकनीकी में दिलचस्पी रखते हैं, इसे सबसे आसान तरीके से समझा सकूं। मैं एक या दो वीडियो रोजाना उन विषय पर पोस्ट करता हूं जो न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। कृपया नागालैंड की प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता ले। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरे वीडियो देखने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके ठीक बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये हमने लाइट दे दी। ये हमने लाइन कट कर दी। लाइट आने पर ये आवाज़ करेगा और जब लाइट चला जाएगा तभी भी आवाज़ करेगा ये सर्किट जो है। चलिए इसका सर्किट के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये है सर्किट। ये सर्किट किस तरह काम करता है इसके बारे में हम बताएंगे। ये देख रहे हैं इसमें आईसी लगा हुआ है NA555 जो टाइमर आईसी है, दो लगे हुए हैं इसमें। तो पिन नंबर वन जो है ये है आपकी ग्राउंड, पिन नंबर दो जो है, पिन नंबर छः से ये कनेक्टेड है, उसके बाद एक कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट किया गया है और उसमें 68K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई जाता है पिन नंबर 6 और 2 में। जैसे जैसे रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, सॉरी चार्ज जब होता है तो ये जीरो जब हो जाता है इसकी सप्लाई तो ये बजर बंद हो जाता है। जब चार्ज रहेगी तो बजर आवाज़ करेगा और जब इसे डिस्चार्ज हो जाएगी तो बजर बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि जब लाइट आएगी तो बजर देगा, जैसे वो डिस्चार्ज हो जा रहा है तो वो बंद हो जाएगी। दोनों सर्किट सेम काम कराया गया है, लेकिन इसमें क्या है, एक रिले से दिया गया है, मेंस में सप्लाई जा रही है, यहाँ से एक चली जाएगी, यहाँ से नेगेटिव चली जाएगी। इसमें नेगेटिव जो है पॉजिटिव कॉमन किया गया है, नेगेटिव जो है स्विचिंग दिया गया है और नेगेटिव जो सप्लाई चली जाएगी इसमें तो ये आवाज़ करेगा, जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फिर आवाज़ बंद हो जाएगा। लाइट आने पर एक आवाज़ देगा और फिर लाइट जाएगी तभी भी आवाज़ आएगा, क्योंकि इसमें जो बैटरी लगी हुई है इस बैटरी सप्लाई मिलेगी एक सर्किट को, एक सर्किट वो आवाज़ करेगा और इसमें आप बड़ी कोई हॉर्न भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि ये वाले रिले देख रहे हैं इससे बड़ी हॉर्न भी लग जाएगी तो। और ये कैपेसिटी जो इसमें दोस्तों तो इस ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई जाएगी, उसमें सप्लाई जाने के बाद में एक उसमें फुल रेक्टिफाई बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद में एक कैपेसिटर लगा दीजिएगा, उसमें मैंने सिंबल नहीं दी है, कैपेसिटर लगा दीजिएगा और लगाने के बाद में ये रिले काम करने लगेगा। जब ये मेंस आएगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा, ऑन होते हुए इस सर्किट में सप्लाई चला जाएगा और जैसे ही ऑफ हो रहा है तो उसके बाद में ये वाला सर्किट से आपको पहले वाले सर्किट में सप्लाई चला जाएगा। तो ये मैंने बताया था कैपेसिटर जब धीरे धीरे जो है डिस्चार्ज होगा, जब फुल चार्ज हो जाएगा तो आवाज़ बंद हो जाएगा, जब चार्ज होने लगेगा तो आवाज़ करते रहेगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।